हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन से एक बहुत ही स्मॉल टॉपिक डिस्कस करेंगे। व्हाई इट इज इजियर टू पुल ए बॉडी देन टू पुश इट। किसी भी बॉडी को पुल करना इजी होता है एज कंपेयर टू उसको पुश करना। ठीक है बच्चों, मींस किसी बॉडी को अगर मोशन में लाना है तो उसको पुल करके ले जाना बेटर है रफ सरफेस पर एज कंपेयर टू उसको पुश करके ले जाना। ठीक है, सो देखिए इसको समझने के लिए एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं बच्चों। लेट दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, बॉडी का मास मान लीजिए एम है। ठीक है बच्चों, सो पुलिंग या पुशिंग है मींस मोशन आप मान के चल रहे हो कि बॉडी जो है उसका मोशन है। सो मींस इस सरफेस में आप मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवेन है। सरफेस का रफनेस गिवेन है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू गिवेन है। ठीक है बच्चों, सो पहला केस में आप इसको पुल करते हो। सो पुल मतलब खींचना होता है बच्चों। सो मान लो अगर फोर्स आप लगा दिए, पुलिंग फोर्स लेट से इट इज पी। ठीक है, ये सो पुल करोगे, सो इस तरह से खींचोगे आप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेखा में नहीं खींचोगे, इस तरह से खींचोगे कुछ एंगल पर। सो मान लो दिस एंगल इज व्हाट बच्चों, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, सो देखो बच्चो एमजी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड। आर या इसको हम लोग एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो पीछे केस में हम लोग आर लिए थे इस डेरिवेशन में, यहां भी आर ले लेते हैं। ठीक है, ओके, एन भी ले सकते हो, नो इशू। ठीक है, सो ओके, देन अगर इसको आप पुल कर रहे हो, ये आगे की तरफ जाएगा, है ना, आगे की तरफ जाएगा। सो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, पीछे की तरफ हो गया। अच्छा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा बच्चों, इट इज म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल रिएक्शन आर ना, या एन लोगे तो म्यू काइनेटिक इंटू एन। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो देखो पी का दो कंपोनेंट होगा बच्चों, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा पी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इसी डायरेक्शन में दैट इज पी साइन थीटा, सेम डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, इधर ही जाएगा। ठीक है, सो वर्टिकल बैलेंस के लिए क्या होना चाहिए, इसका वर्टिकल बैलेंसिंग के लिए ऑब्जेक्ट का, बॉडी का, मास का, सो दैट इज समेशन ऑफ एफ वाई जीरो होना चाहिए फोर्स अलोंग। मान लो ये एक्सिस एक्स है एंड दिस इज वाई, सो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई जीरो होगा। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें आर प्लस पी साइन थीटा इक्वल टू एम जी। सो यहां से बच्चों आर का वैल्यू निकालो रिएक्शन का, सो एम जी माइनस पी साइन थीटा, इक्वेशन वन कर दो। ठीक है, देन पी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इट इज फॉरवर्ड फोर्स देन एफ के पीछे, सो पी कॉस थीटा माइनस एफ के इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, मास इसका एक्सलेशन ए जनरेट हो गया, है ना, ए एक्सलेशन से आप उसको पुल करके ले जा रहे हो, एक्सलेशन ए जनरेट हो गया। सो मींस फिर अगेन करोगे समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, मास इसका एम दिया हुआ है, मान लिया हम लोगों ने एम है, सो मास इंटू एक्सलेशन, समेशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, सो इट इज पी कॉस थीटा माइनस एफ के इक्वल टू एम इन टू बच्चों। ठीक है, सो देखो एफ के का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू काइनेटिक इनटू आर, सो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो आर का ये वाला। ठीक है, सो देखो पी कॉस थीटा हो गया, ठीक है, माइनस एफ के का वैल्यू म्यू के इनटू आर, सो इट इज म्यू के देन एम जी माइनस ई साइन थीटा इक्वल टू एम इन टू ए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो यहां से बच्चों क्या करो, पी का वैल्यू निकालो, है ना, मीन्स पुलिंग फोर्स आपको कितना लगाना पड़ेगा, तो आपको कंपेयर करना है पुशिंग एंड पुलिंग को, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, सो आप पी का वैल्यू यहां से निकालो। ठीक है बच्चों, सो पी का वैल्यू देखो कितना आएगा, सबसे पहले कॉमन ले लो, है ना, सो देखो पी कॉस थीटा माइनस म्यू के एम जी प्लस म्यू के पी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, यही होगा बच्चों। सो देखो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज एम ए प्लस ये वाला उधर जाएगा म्यू के एम जी, ठीक है, डिवाइड बाई एम ए प्लस म्यू के एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू के साइन थीटा।
ठीक है बच्चों। सो देखो इस केस में फोर्स इतना आएगा, है ना, आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तब ऑब्जेक्ट ए एक्सलेशन देगा, ठीक है, ए एक्सलेशन। अभी देखो ये तो हो गया, और दूसरी बात यहां फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हम लोग देखो क्या सेपरेट निकाल लेते हैं, म्यू के देन आर कितना हो गया, इट इज एमजी माइनस पी साइन थीटा, ठीक है। ये भी गौर करने वाला बात है, क्यों गौर करने वाला है, क्योंकि देखो अभी डायरेक्शन हम लोग रिवर्स करेंगे, पुलिंग को पुशिंग बना देंगे। सो देखो अगर इसको आप पुश करोगे, ठीक है, सो पी का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज पी ना बच्चों, तो इसका मतलब इसको पीछे बढ़ाओ, सो देखो पी का डायरेक्शन बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। सो आपने एंगल थीटा माना था हॉरिजॉन्टल के साथ पी का, सो अभी इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आप थीटा मानो सेम, दिस इज थीटा, ठीक है बच्चों। सो देखो ये वाला थीटा है इस लाइन के बीच में, सो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना बच्चों। सो देखो इस केस में क्या हो गया, दिस इज पी कॉस थीटा, दिस इज डाउनवर्ड पी साइन थीटा, इसी का कंपोनेंट, देन प्लस इसमें एमजी आ जाएगा वेट, और रिएक्शन ऊपर हो जाएगा आर, ठीक है बच्चों, रिएक्शन हो गया आर। सो देखो इसका फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स इस केस में क्या है, यही पी कॉस थीटा है, मीन्स बॉडी और पुल करोगे तो इधर जाएगा, लेकिन पुश करोगे सो बॉडी इधर जाएगा ड्यू टू दिस पी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है बच्चों। सो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स किधर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ होगा, दिस इज दैट इज एफ काइनेटिक, सो इट इज म्यू के इनटू आर, ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। सो देखो इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, बाकी मिटाते हैं हम लोग, इसका डेरिवेशन अभी करते हैं, देन इस वैल्यू के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो आइए देखो इस केस में आर का वैल्यू क्या होगा, एमजी प्लस पी साइन थीटा डाउनवर्ड। अब पिछला केस में क्या था, डिफरेंस था, मीन्स रिएक्शन का वैल्यू कम आया, सो रिएक्शन का वैल्यू कम आएगा सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी कम होगा। सो देखो इसमें एफ के कितना हो जाएगा, इट इज म्यू के आर, सो मीन्स म्यू के देन एमजी प्लस पी साइन थीटा, ठीक है। सो पहला कंपेरिजन तो बच्चों यही होगा, क्या हो गया, पुशिंग के केस में, इन केस ऑफ पुशिंग, ठीक है, और ये क्या है, पुलिंग है। सो इन केस ऑफ पुलिंग देखो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम है, एमजी माइनस पी साइन थीटा, यहां पर एमजी प्लस पी साइन थीटा नहीं, सो इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, लेस फ्रिक्शन है, लेस फ्रिक्शन फोर्स, यहां पर ये क्या हो गया, मोर फ्रिक्शन फोर्स हो गया, या लार्जर फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सो पहला डेमेरिट तो यही है पुशिंग का, कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। सो फ्रिक्शन फोर्स का अगर वैल्यू बच्चों बढ़ गया, सो पी कॉस थीटा क्या होगा, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। देन अब देखो इस वैल्यू को इससे कंपेयर करो, है ना, सो क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा माइनस एफ के दैट इज म्यू के, और आर का वैल्यू क्या था, दिस इज mg प्लस पी साइन थीटा, ठीक है बच्चों। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू ए ना, सो सेम एक्सप्रेशन जनरेट करने के लिए, है ना, देखो आप कितना पुशिंग फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। सो देखो यहां से माइनस हो गया ना, सो p का वैल्यू, है ना, ये cos थीटा हो जाएगा, देन माइनस म्यू के देन साइन थीटा इक्वल टू माइनस म्यू के एम जी उधर जाएगा, सो क्या हो जाएगा, एम ए प्लस म्यू के एम जी ना, ठीक है। सो देखो पी का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, एम ए प्लस म्यू के एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू के साइन थीटा, ठीक है बच्चों। सो यहां पर देखो इस वैल्यू से इसको कंपेयर करो, ठीक है, मीन्स अगर ए एक्सलेशन आपको जनरेट करना है और आप बॉडी को चाहते हो पुल करके ए एक्सलेशन जनरेट करें, सो देखो इसमें क्या है, फोर्स, पुलिंग फोर्स आप लगा रहे हो उसमें, सो दैट इज पी इक्वल टू एम ए प्लस म्यू के एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू के साइन थीटा, और अगर पुशिंग कर रहे हो तो पुशिंग फोर्स सेम एक्सलेशन के लिए एम ए प्लस म्यू के एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू के साइन थीटा, तो बच्चों बड़ा कौन होगा, इसका ऊपर देखो दोनों में इक्वल है, ठीक है, अब नीचे में यहां सम है दोनों का और यहां पर डिफरेंस है, सो नीचे में ये वाला क्वांटिटी कम है, सो ओवरऑल
जब डिनोमिनेटर में कम होगा सो ये वाला बढ़ जाएगा ना, और यहां पर डिनोमिनेटर में ज्यादा है सो ये डिवाइड होगा, सो ये वैल्यू लेस आएगा, ये वैल्यू ग्रेटर आएगा। इसका मतलब दिस इज लेस लेस पुलिंग फोर्स हो जाएगा, यहां पर पुल कर रहे हो कम फोर्स में, आप खींच के ए एक्सरसाइज जनरेट कर लोगे उतना ही एक्सरसाइज आपको उसी में होगा। ठीक है, यहां पर मोर मोर, ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज इजियर टू पुल ए बॉडी देन टू पुश इट। किसी बॉडी को पुल करना ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू पुश करके ले जाना। ठीक है, इसलिए नहीं देखोगे बहुत हेवियर ब्लॉक है सो उसको कोई पुश करके ले जाता है, पुल करके ले जाना ज्यादा बेटर माना गया है। ठीक है, क्योंकि अगर सरफेस रफ है सो रफ के केस में फ्रिक्शन फोर्स जो है आपका कम होगा, आपका पुलिंग के केस में, आप पुशिंग के केस में क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा अगर रिक्वायर्ड फोर्स बोलोगे फॉर सेम एक्सप्रेशन सो रिक्वायर्ड फोर्स पुलिंग के केस में कम होगा और पुशिंग के केस में मोर पुशिंग फोर्स होगा, मतलब ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा सेम एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज इजियर टू पुल ए बॉडी देन टू पुश इट। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये डेरिवेशन क्लियर होगा आपको। ठीक है बच्चों, सो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम इसी तरह से वीडियोस बना के आप लोगों के साथ डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, और आप लोगों के एकेडमिक्स में कुछ ना कुछ हेल्प हमेशा करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।